जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आज पहला दिन है ब्रज यात्रा का, 27/10/2013 है, 12 पैम्फलेट नहीं है हमारे पास। लोग तो रोक रहे थे, डॉक्टर लोग, कि आप मत जाइए, लेकिन हम चले आए, क्योंकि हर यात्री श्री कृष्ण है। हर यात्री श्री राधा है। जब इतने रूप में श्री कृष्ण और राधा रानी आई हैं, तो हम कैसे डर करके बैठे रहे हैं। हम तो इनसे कह रहे हैं सब हटा दो, मच्छरदानी मच्छरदानी लेकिन लोग मानते नहीं हैं। और रक्षा प्रभु करता है। पिछले साल हम मर ही गए थे, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से बचे। ब्रज यात्रा के प्रभाव से बचे। यात्रा चलनी है और चलती रहेगी। हम भी नहीं रहेंगे तब भी चलेगी, क्योंकि इस यात्रा का लक्ष्य व्यापार नहीं है। इस यात्रा का लक्ष्य यश नहीं है। हम इसलिए निःशुल्क रखते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, कि किसी को रुकावट न हो। संसार में समय नहीं है, धन नहीं है लोगों के पास। जो जीवन के 40 दिन ब्रज भूमि के लिए देना चाहता है, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र है। अपने घर की आसक्ति छोड़ करके आना खेल नहीं है। हजारों लोग दूर दूर से आते हैं, इनका सम्मान, इनका सेवा करना हमारा सौभाग्य है। इसलिए हम चले आए रोकने पर भी। और बराबर आते रहेंगे 40 दिन, क्योंकि हम गाते हैं लगन हरिसो लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरिसो लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरिसो लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरिसो लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। उन्हें
अपना बना बैठे जो होगा लिखा जाएगा हम आशिक बन गए तेरे नहीं दुनिया से कुछ मतलब आशिक बन गए तेरे नहीं दुनिया से कुछ मतलब ये दिल ये तन ये मन तुझको चढ़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये दिल तुझको चढ़ा बैठे जो होगा देखा जाएगा हरी से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा हरी से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा प्रभु के भक्त प्यारे हैं वही सदगति हमारे हैं प्रभु के भक्त प्यारे हैं वही सदगति हमारे हैं सदगति माने अगर इनकी सेवा में शरीर भी चला जाए तो सदगति है कोई चिंता नहीं है प्रभु के भक्त प्यारे हैं वही सदगति हमारे हैं प्रभु के भक्त प्यारे वही सदगति हमारे हैं प्रभु से हैं बड़े ये भक्त प्रभु से हैं बड़े ये भक्त जो होगा देखा जाएगा प्रभु से हैं बड़े ये भक्त जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये तो अपनी बात सुनाई हमने कि मनुष्य को डरना नहीं चाहिए सदा अपना सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार रहना चाहिए तन मन धन सच्चा समर्पण यही है डर किस बात का मरेंगे तो भी उसके चरणों में मरेंगे आज सबसे पहले आपकी यात्रा गौशाला में गई देखो भैया यात्रियों हमने आपसे कहा था कि हमारी यात्रा यानी मान बिहारी लाल की यात्रा ने बहुत से स्थान प्रकट किए इस ब्रज में ये भी हमने बताया था रासोली कोई यात्रा नहीं जाती है हमने जीव गोस्वामी जी के ग्रंथों में पढ़ा कि महारास का प्रारंभ वहीं हुआ था कृष्ण ने वंशी बजाई थी नंदगांव से निकल करके और वहीं पर गोपियां दौड़ी दौड़ी आईं तो हमने उस ग्रंथ के आधार पर रासोली जाना शुरू किया और सारी यात्रा जाने लग गई इस बार भी आप लोग देखेंगे देव सरोवर जो आज तक प्रकट नहीं हुआ इतने यात्राएं आईं इतने आचार्य हुए हमने पढ़ा जब गर्ग संहिता में उसको लक्ष्मी नारायण ने राधा रानी और श्री कृष्ण के विहार के लिए बनाया था वो पर्वत और वो सरोवर तो पिछले साल आप लोगों के सामने ये वादा किया गया था
कि ये प्रकट हो जाए सरोवर, और बहुत कुछ प्रकट हो चुका है, बन चुका है, आप लोग देखेंगे इस बार। इसी तरह से ये गौशाला भी, ये इसका प्रमाण हमारे पास है। दोहनी कुंड पर वृषभान जी की गायें राधा रानी की गैयाओं को श्री कृष्ण बाल बाल बन के दोहने आते थे। दोहन माने दोहना, और ये लीला गाई भी बहुत से रसकों ने। कमलाहू तरसत रही हम न भही ब्रज गाय, राधा लेती दोहनी मोहन दूहते गाय। लक्ष्मी तरसती रही कि हम ब्रज में गैया क्यों नहीं भई। जब श्री कृष्ण आते हैं यहां राधा रानी की गाय दूहने के लिए, तो उस समय स्वयं श्री जी गैया के नीचे दोहनी पकड़ करके बैठ जाती हैं और श्याम सुंदर गायों को दोहते हैं। ये दोहनी कुंड की लीला है। शायद आप लोग आज नहीं जा पाए, फिर लौटेंगे कल परसों, तो दोहनी कुंड दिखाएंगे। तो जब गायें दोहते थे तो इसके माने यहां गायें रहती होंगी, और इसलिए यहां अपने आप गौशाला बन गई। ये श्री जी की राधा रानी की गायें हैं, इनको दोहने आज भी श्री कृष्ण आते हैं। पिछले साल यात्रा के शुरू में हमने गायों को प्रणाम नहीं किया था, इसीलिए इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। इस बार सबसे पहले गौशाला में ही आए गायों को प्रणाम करने, जैसा अभी सुना रहे थे आपको पंडित जी कि दिलीप को गायों का शाप लग गया, प्रणाम नहीं किया था उन्होंने, तो कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने बताया कि तुम गाय की सेवा करो, तो उन्होंने नंदिनी जो कामधेनु की लड़की है उन्हीं के आश्रम में रहती थी, उसकी वो सेवा किया उन्होंने, जिसका वर्णन महाकवियों ने कालिदास आदि ने किया है कि ऐसी सेवा आज तक किसी ने नहीं किया। गाय उठती थी तो उठ जाते थे, बैठती थी तो बैठ जाते थे, लेटती थी तो लेट जाते थे, उनकी हर क्रिया गायों के लिए, उठना बैठना खाना। और जब पानी पीती थी, जब वो दिलीप जी पानी पीते थे, नहीं प्यासे बने रहते थे। इसी तरह से श्री कृष्ण ने गायों की सेवा किया, ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। गाह पायित्वा अपह शीतला शिवा ततो नृप स्वयं गोपा कामम स्वादु पपुर जलम। अरे हटाओ, ये सब क्या बार बार करते, हटाओ। डिस्टर्ब में करो। श्री कृष्ण ने भी उसी तरह सेवा किया है। भागवत का श्लोक है कि उन्होंने पहले गैयाओं को पानी पिलाया, यमुना जल अपह सुमृष्टा शीतला शिवा, कल्याणकारी पानी था। शिव माने उसके जल से ही कल्याण हो जाएगा,
सुमृष्टा बड़ा उज्जवल था, ठंडा मीठा। पहले गायों को पिलाने के बाद ततो नृप स्वयं गोपाह कामम स्वादु पपुर जलम, तब कृष्ण ने और बाल बालों ने पानी पिया। सब इतने भक्त थे, सारा ब्रज। तो वो दिलीप ने जिस ढंग से सेवा किया था, उन्होंने तो एक गाय की सेवा किया, गोपाल जी ने तो जितनी गाय थी सबको पहले पानी पिलाया, पीछे पीते थे। ऐसा गोभक्त आज तक कोई नहीं हुआ, न होगा न हुआ। तो वे श्री कृष्ण यहां गो सेवा करते थे। ये वही दोहिनी कुंड है जहां हम लोग बैठे हैं, ये सारा क्षेत्र दोहिनी कुंड का है, इसीलिए यहां गौशाला बनी। और गौशाला अपने आप बनी, हमने बनाया नहीं, हमने कभी सोचा नहीं था, एक गाय भी रखने की नहीं सोचा था। लेकिन एक चमत्कार हुआ, एक मंत्र हम बुलवाते हैं बरसाने को प्रणाम करने का, वो आज भी बुलवाएंगे। इस मंत्र का चमत्कार हमने देखा। इस मंत्र को हम वैसे ही बुलवा देते थे बिना भाव के। उसका अर्थ यह है कि इस बरसाने के महीपति राजा वृषभान जी को नमस्कार है, राधा रानी की मैया रानी कीर्ति को भी नमस्कार है, वे हमें गोवंश की वृद्धि करें। ये हम वैसे मंत्र बुलवाते थे यात्रियों से, बीसों साल से चले आ रहे हैं। लेकिन श्री जी ने कहा, सोचा कि तू ऐसे ही मंत्र बुलवाता है जिसका अर्थ है गोवंश में वृद्धि होवे, तू नहीं चाहता है लेकिन मैं तो करूंगी। ये हमारे पिता का गांव है और हमारे पिता की प्रार्थना है, ये तूने बेमन से किया फिर भी वो जरूर सफल होगी। उस मंत्र को हाथ जोड़ो बोलो, मही भान सुतायैव सब हाथ जोड़ो, सच्चे मन से प्रार्थना करो। महाराज वृषभान जी सामने बैठे हैं, राधा रानी की माँ कीर्ति जी बैठी हैं। मही भान सुतायैव कीर्तिदायै नमो नमः, कीर्तिदायै नमो नमः, सदा गोकुले वृद्ध्युं, सदा गोकुले वृद्ध्युं, प्रयच्छ मम कांक्षितां, प्रयच्छ मम कांक्षितां। ये बरसाने को प्रणाम करने का मंत्र है और बड़ा चमत्कारी मंत्र है। इसी से ये गौशाला बन गई, मेरी न चाहने पर भी श्री जी ने बना दिया और न चाहने पर भी गायें बढ़ती गई, 21,000 गायें हो गई हैं।
इस बार यात्रा बड़ी मंगल कारणी रहेगी, क्योंकि हम लोग गायों को प्रणाम करके पहले तब चल रहे हैं। सबसे जरा मंगल की बात तो यह है कि हमारे मन में इच्छा भाई कि चलो यात्रियों की सेवा करें, कुछ श्री जी का चरित्र सुनाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। गौशाला को प्रणाम करने के बाद आप लोग डभारा गांव, ये गांव अष्ट महासखियों में रंग देवी जी का है और सुनहरा सुदेवी जी का है, आठ महासखियां हैं, इनके आठ गांव हैं, ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, तुंग विद्या, रंगदेवी, सुदेवी। इनके बारे में लोगों को बड़ा मतभेद है, कोई गांव कहीं का कोई बताता है, लेकिन हमारे पास तो प्रमाण है। ललिता जी ऊंचे गांव की थी, विशाखा जी का आंजनोक है, इंदुलेखा का राकोली है, तुंग विद्या का कमई है, रंगदेवी का डभारा है, सुदेवी का सुनहरा है, ये आठों गांव महासखियों के हैं। आज आप लोगों ने तुंग विद्या जी के गांव डभारा का दर्शन किया, वहां सूर्य कुंड है, ब्रज में सूर्य कुंड कई जगह है, बरसाने में भी है, नंदगांव में भी है, छोटे बन्ने में भी है, कई जगह सूर्य कुंड है, लेकिन इन सब की अलग अलग कथाएं हैं, क्योंकि सूर्य उपासना श्री जी ने किया है और सूर्य ने भी राधा रानी की उपासना किया है, इसलिए सूर्य कुंड जितने हैं उनके अलग अलग इतिहास हैं। राधा रानी जब चंद सरोवर में विराज रही थी, महाराज हुआ और दोनों बैठे थे राधा और कृष्ण, तो आकाश से चंद्रमा जी आए और चंद्रमा ने वहां पूजा किया, चंद्र सरोवर बन गया। जिस पर कृपा होती है वो देवता आकर के पूजा करता है। इसी तरह से सूर्य देव थे, उन्होंने भी देखा चंद्रमा ने तो पूजा किया, हम भी चलें। राधा रानी सूर्यवंशी थी, सूर्यवंश में हुई हैं, और श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। सूर्यदेव आए और उन्होंने राधा रानी की पूजा किया। इस तरह से ये बरसाने और नंदगांव में जो सूर्यकुंड है, इस कारण से सूर्यकुंड बने हैं। स्वकिया में है और छोटे बन्ने में जो सूर्यकुंड है वो परकिया में है। गोडेश्वर आचार्यों ने लिखा है श्री जी वहां परकिया में पूजा करने जाती थी, रास्ते में श्री कृष्ण मिलते थे छद्म वेश से। वो सूर्य कुंड अलग है, ये सूर्य कुंड अलग हैं बरसाने नंदगांव के।
यहां स्वयं सूर्य देवता आते हैं और जुगल सरकार की पूजा करते हैं। सूर्य कुंड आप गए होंगे, हम तो नहीं जा पाए, अगले साल चलेंगे, क्योंकि शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग चले, नौबारी चौबारी पहुंचे। ये नौबारी चौबारी ब्रज प्रेमानंद सागर में हमने पढ़ाया है, पढ़ा है। वहां राधा रानी गुड़िया गुड्डा खेलती थी, नर लीला में जैसे जैसे लीला होती है वैसे वैसे श्री कृष्ण करते हैं। गुड़िया गुड्डा खेलती थी और कौन हारा कौन जीता, किसकी गुड़िया जीती किसका गुड्डा जीता, इस तरह से नौबारी चौबारी नाम पड़ा। वहां दिखाने वाले लोगों ने बताया होगा, वहां जो चबूतरा है वो चबूतरा आजकल के मनुष्य नहीं बना सकते हैं। एक एक शिलाएं हजार हजार मन की हैं, डेढ़ डेढ़ हजार मन की हैं। वो श्री कृष्ण के ग्वाल बालों ने उठा उठा करके रख के बना दिया था, बहुत प्राचीन है, हजारों वर्ष प्राचीन, द्वापर युग का है। उसके बाद आप लोग चले और रत्नकुंड पहुंचे। रत्नकुंड में उसका जैसा नाम है रत्न, वहां श्री जी ने रत्नों की खेती किया था, ये भी नारायण भट्टी जी ने लिखा है। ये लिखा है मानगढ़ से आगे चल करके रत्नकुंड है। वो उन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि गर्ग संहिता के अनुसार मुक्ता कुंड की कथा हम नंदगांव में सुनाएंगे। वहां ब्रजवासियों ने नंद बाबा का अपमान किया। कैसे अपमान किया, जब श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया तो गांव के गमर्राई तो हैं ब्रजवासी, ग्राम्य ही समम ग्राम्यवदीश चेष्टितः, भागवत में लिखा है ब्रज में सभ्यता है गमार सभ्यता है, सभ्यता शिष्टाचार नहीं देखना चाहिए ब्रजवासियों में, इसलिए ब्रजवासी गाली बहुत देते हैं, गमार हैं, ये गाली के बिना बात भी नहीं करते। हम जब जाते थे नंदगांव, एक दो ग्वारिया ऐसे थे जाते मान गाली देते थे, वो समाप्त हो गए। ऐसे ब्रजवासी अब नहीं रहे, बिरजी बावड़े थे। अभी हमने सुना, कल कोई नंदगांव का बता रहा था, एक दूसरा था पन्ना बावड़ा, वो भी समाप्त हो गया। ये गमार सभ्यता के प्रतीक थे, इनकी बोली चाली रहन सहन गमार पने की थी। तो वो ब्रजवासियों ने नंद बाबा का अपमान किया, अरे नंद तेरे छोरा ने गिरिराज उठा लियो, हमारे भी तो छोरा हैं, इनमें इतनी ताकत नहीं है, ये कौन है तेरा लाला तू बता। नंद बाबा ने कहा
ये जब गर्ग मुनि आए थे तो उन्होंने इसका नाम किया था कृष्ण और नारायण समगुणों, गुणों में नारायण के समान है ये बताया था। इसलिए आश्चर्य नहीं करो। वृषभान जी बीच में बोल उठे, हां ये बात सही है, गर्ग मुनि ने इनको नारायण बताया था। तो गंवार लोग बिगड़ गए, तूने नाम संस्करण किया और हमको नहीं बुलाया, चोरी से क्यों किया, हम तुझे जात से निकाल देंगे। तो वृषभान जी ने पक्ष लिया, तो वृषभान पर भी बिगड़ गए ब्रजवासी, अरे वृषभान तू मत बोल, तेरी छोरी जवान हो गई है राधा और तैने ब्याह नहीं किया। हो वृषभान जी भी घबरा गए, उन्होंने कहा भाई सुनो, हमारी जो लाडली है राधा, ये नंद बाबा ने बताया था गोलोकेश्वरी है, गर्ग जी ने बताया, इसका ब्याह तो ब्रह्मा जी कराएंगे और तुम लोग देख लेना, ब्रह्मा आएगा राधा कृष्ण का ब्याह कराएगा, ये लीला भांडीर वन में हम आपको सुनाएंगे, क्योंकि अब तो हम बराबर 40 दिन आएंगे। और चुप हो गए ब्रजवासी। उस समय ब्रजवासियों के दबाव से उन्होंने सगाई किया नंदगांव नंद के लड़का कृष्ण के साथ। सगाई में बहुत अच्छे अच्छे मोतियों के हार भेजे, बहुत कीमती मोमती। उसको देख करके नंद बाबा चिंता में पड़ गए कि इतने अच्छे मोती तो हमारे पास नहीं हैं, हम जवाब में क्या भेजेंगे। उनकी चिंता को देख करके श्री कृष्ण समझ गए और बोले बाबा ये मोती हमें दे दे, तू क्या करेगा, अरे खेलेंगे, गैयाओं का श्रृंगार करेंगे। नंद बाबा बोले अरे जा जा भाग जा, हम तो चिंता में बैठे हैं, इतने कीमती मोती हैं इनका क्या जवाब दें, और तू इनको भी खो देगा तो हमारी वैसे नाक कटेगी। श्री कृष्ण चुप रहे, बच्चे की मां ज्यादा प्यार करती है बच्चे से। मैया यशोदा के पास पहुंचे, मैया हा लाला तू हमें प्यार करे ना। हाँ हाँ प्यार क्यों नहीं करे, तू ही तो हमारो बेटा है, सच में करे कि नहीं। अरे जाके गोद में बैठ गए, बड़े चतुर हैं, जानते हैं हमको मोती के हार निकालना है, बाबा ने तो मना कर दिया, मैया पर हमारा जादू चलेगा। झूठ मूठ रोने गाने लग गए, अरे लाला क्यों दुखी हो रहे हो, अरे मोतीन के हार आए हैं मैया बरसाने से, मैंने मोतीन के हार मांगे नंद बाबा ने मना कर दिया, अब बताए ये कोई प्यार है, तू मेरी प्यारी मैया है, हाँ हाँ तू दे सके। बोले हाँ मैं दे दूंगी लेकिन एको मोती खो मत दीजो। बोले कैसे खोऊंगा मैया, देखियो तू यशोदा जी गई और हार वार ले जाकर के श्याम सुंदर को दे दिया,
वो लेके चले और सीधे मोती कुंड पहुंचे। यात्रा में पड़ेगा वहां जाकर के एक एक मोती निकाल निकाल के, जैसे कोई नाज बोता है गेहूं चना जौ, वहां से खेतन में सब ग्वाल बालों के साथ बो दिए। ग्वाल बाल बोले, अरे नंद के क्या कर रहे हो आए? अरे मोती बो रहे हैं, मोती मोती, या तो मोती पैदा होंगे अच्छे या तो बढ़िया मोती बरसाने वाले थे। सब ग्वाल बाल बोले, भाई ये बड़ा करामराती है नंद का छोरा, यानी गिरिराज उठाया हो, या रोको मत, या करण दो अपने मन की। सब मोती खेतन में बो दिए। और जब संजा के लौटे तो मैया बोली, अरे कन्हैया। हाँ मैया, मोती लायो? मैया मैं तो मोती बो आयो है। निपुते कोई मोती बोयो जाए, कोई मोती नाज है, गेहूं है चना है, तेरी अकल मारी गई? मैंने जब ही मना कियो हो, अब तो किल्ल पड़ेगी नंद बाबा, हमें उमारेगो, नाक कटा दियो तेने। बोले, ना मैया, हमने बोए हैं, पेड़ जरूर निकलेंगे, तू जाके देख ले मेरी बात। तुरंत नंद बाबा के पास गई मैया। अरे महर। हाँ कहा कहे? कहा कहूं, किल्लाओगे? ना ना, तू कह दे कोई बात है। बात तो यही है कि तुम्हारो जो छोरा है ये लड़ करके हमते मोती ले गो। अरे मोती ले गो? नाक कट गई, फिर लायो के नहीं लायो? बोले ना। बोले फिर कहा कि हो ना? अरे माने खेत में यूं कह रहा हूं, मैंने खेती करी। अरे तेरी अकल मारी गई मेहर, मोती की कहीं खेती हो? कोई चना है कि जौ है कि गेहूं है कि मटर है? ना ये तो मैं हूं जानू, लेकिन वो यूं कह रहा है, मेरे बोए खेती, मेरी बोई मोती जरूर उपजेगी, देख लीजो। तू देख मेहर, भेज तू अपने सिपाही ने, और वहां पेड़ निकले हैं कि नहीं निकले हैं? नंद बाबा ने भेजे सिपाही, जाओ रे वहां, बड़े बड़े मोतीन के पेड़ झुंड लहरा रहे, और जो बरसाने वाले मोती उनसे दुगने मोटे मोटे चमक आ रही, झकाझक मुक्ता कुंड में रोशनी फैल रही है मोतियों की। नंद बाबा बड़े खुश भए, अरे यानी तो हमारी नाक रख लेनी है। हम सोचते कि बरसाने के इतने कीमती मोती आए हैं और आते ज्यादा हम क्या देंगे? बोले, गाड़ी भर लो छोराओ। गाड़ी भर भर के मोती लाए गए, और नंद बाबा ने यहां बरसाने के लिए मोती भेज दिए। जब यहां मोती आ गए तो ब्रजभान बाबा फिकर में पड़ गए, अरे ये हमने सबसे ऊंचे मोती, सबसे कीमती, सबसे चमकदार भेजे, और वाहू थे बढ़िया, ये मोती आ गए, अब हम या थे बढ़िया क्या दें? तो राधा रानी खेल रही गुड़िया गुड्डी, और वो समझ गई, बोले, बाबा ये मोती हमें दे दे। ब्रजभान बाबा ने मना कर दियो, ना छोरी ये कैसे दे देंगे, ये तेरी ससुरार के हैं, खो देगी, ना खोऊंगी, क्या करेगी, गुड़िया गुड्डान के माला बनाऊंगी, गुड़िया गुड्डान को ब्याह करूंगी, और ब्याह में उनके जो श्रृंगार करूंगी। अरे जा जा, ये मोती नहीं मिलेंगे। तो समझ गई कि बाबा है, यहां जादू नहीं चलेगो। मैया के पास पहुंची, जैसे कन्हैया ने मैया पे जादू चलायो, राधा रानी जाके बैठ गई मैया की गोद में,
और झूठा ही ऊं करने लग गई। मैया हमसे प्यार करे तू? अरे तू ही तो मेरी लाडली है, तोते नहीं प्यार करूंगी तो कौन ते करूंगी। तो सुनो है नंदगांव ते बड़े बड़े मोती आए हैं। हाँ ये तो है, मेरी गुड़ियान के लिए मैं सजाऊंगी, गुड्डान को ब्याह करूंगी तो हमें दे दे। अरे राधा ऐसो मत कहे, एको खो जाएगो तो नाक कट जाएगी नातेदारे में। राधा रानी हट करके जिद करके ले गई। और जहां तुम लोगों ने दर्शन किया है रत्न कुंड उसका नाम है, ब्रज भक्ति विलास का प्रमाण है रत्न कुंड का नाम, हमने वहां पढ़ा। ये पहले गायब हो गया था, खेत बन गया था। करीब 50 साल पुरानी बात है जब चकबंदी भई थी, या 40 साल पुरानी बात हमें याद नहीं है। तो उस समय इसको खेत का रूप दे दिया पटवारी वगैरह ने, तो हम यहां मना करने आए, हमारी किसी ने सुनी नहीं, क्योंकि हम तो मामूली सी आदमी रोटी मंगा हैं, रोटी मांगने वाले हैं, मना कर दिया। ये चक कट गया महाराज जाओ, लेकिन हमारे मन में बैठ गई थी चक कट गया है कट जाए, एक दिन इसको बनाना जरूर है। उन बातन को 40-45 साल हो गए। अब हम पहले वाले रोटी मंगा नहीं है, अब तो 1-2 लाख रुपए खेल है हमारे लिए राधा रानी कृपा से। हमने यहां प्रयत्न किया और जमीन खरीदा, खरीद करके उस रत्न कुंड को बनाया और रत्न कुंड फिर से रत्न कुंड बन गया। जो नष्ट हो गया था वो फिर से रत्न बना। क्यों? एक पद गा दें फिर चले जाएंगे। श्री जी ने रत्न की खेती करी, क्योंकि परमानंद स्वामी ने लिखा है वो राधा रानी ही ब्रज की रत्न है। रत्न ने रत्न की खेती किया। ब्रज में रतन राधिका गोरी, रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, गोरी गोरी, गोरी गोरी। बोले रत्न, राधा रानी को रत्न कह रहे हो क्या? कृष्ण रत्न नहीं है? बोले नहीं, कृष्ण तो रत्न के चोरने वाले चोर हैं। कृष्ण ने इस रत्न को चुराया ब्रजभान भवन में जाकर के, चोरी किया, राधिका रानी का चित्त चुराया और राधा को ले गए। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन ते,
हरलीनी वृषभानु भवनते हरलीनी वृषभानु भवनते। जबी तो चोर बोले गए नंद सुवन की चोरी, नंद सुवन की चोरी, राधिका बोली राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। कैसी है राधा गोरी, जिनके केशों में फूलों की माला गुथी रहती है, गुथी लर केश हेत कुसुमावली, गुथी लर केश हेत कुसुमावली, गुथी गुथी लर केश हेत कुसुमावली, लाल रंग की डोरी से अपने केश बांधती हैं राधा रानी और बेला के फूलों की माला को केश में लगाती हैं। और सुरंग कच डोरी, और सुरंग कच डोरी, राधिका गोरी राधिका गोरी, राधिका गोरी राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। चोर चोरी किया श्याम ने इस राधा रूपी रत्न का, चोरी करके कहां ला गया, कंधे में गलबैया दे करके दोनों प्रेम का विहार कर रहे हैं। पिय भुज कंठ धरे शोभित मनु, पिय भुज कंठ धरे शोभित मनु, धरे शोभित मनु। एक तो घन बादल की तरह नील है, दूसरी बिजली की तरह चमक रही है, ऐसी जोड़ी है। घन दामिनी द्युति जोड़ी, घन दामिनी द्युति जोड़ी, घन दामिनी द्युति जोड़ी, घन दामिनी द्युति जोड़ी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी। कहां ले गए चुरा करके, यमुना किनारे ले गए और कुंजों में लाए गहवर बन के एकांत में। कालिंदी तट केली कोलाहल, कालिंदी तट केली कोलाहल, कालिंदी तट केली कोलाहल, कालिंदी तट केली कोलाहल, सघन कुंज घन खोरी, सघन कुंज घन खोरी, सघन कुंज घन खोरी, सघन कुंज घन खोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। बोले महल में चोरी किया वृषभान भवन में, ये कैसे? बोले कारण है दोनों नागर हैं, नागरी हैं। नागरी से कहते हैं जो बड़ी चतुर होए, नागर से कहें जो बड़ा चतुर है। दोनों बड़े चतुर हैं प्रेम लीला में बिहार में। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। जोड़ा मिल गया नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी,
रज में रतन राधिका गोरी, रज में रतन राधिका गोरी, रज में रतन राधिका गोरी, रज में रतन राधिका गोरी। ये रत्न कुंड की भी कथा थोड़े में हमने कही। वैसे तो पग पग पर यहां लीला है, ये छोटी कदम खंडी है, ये श्री जी की शुक सारिका वाटिका है। अभी यहां करोड़ों तोते रहते हैं। जब हम आए थे तब मानगढ़ रहते थे तो लाखों तोते उड़ के ऊपर जाते थे, उसकी भी बड़ी लंबी कथा है, बस इतने ही बोलेंगे। श्री राधे, 5 मिनट तक कोई भी खड़े मत होना भैया, तो कीर्तन न करें हम कर लेंगे जी आप। कल का प्रोग्राम बता। अच्छा, ये इसलिए कह रहे हैं कि धूल उड़ेगी, डॉक्टर फिर हमको आने नहीं देगा। कल के बारे में बता दीजिए, कल कहाँ यात्रा जाएगी।